है पूरब, वही चॉकलेट्स, वही फ्लावर्स। तुम्हें पता मैं कितनी खुश हुई थी कि मुझे नई चोट लगी है तो नए गिफ्ट्स मिलेंगे, लेकिन क्या लेकर आए तुम मेरे लिए? ये फ्लावर्स और ये चॉकलेट्स जो तुम हमेशा देते, तो क्या फायदा इस नए चोट का? अच्छा, I'm sorry. आगे से तुम्हारे लिए कुछ एकदम नया और डिफरेंट लेकर आऊंगा, पक्का प्रॉमिस। अगली बार मतलब? तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम जब मेरा एक्सीडेंट होगा तब तुम मेरे लिए डिफरेंट फ्लावर्स? आज के बाद ऐसा कभी मत कहना। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो क्यों करती हो ऐसी बात? अगर मेरी किस्मत में तुम्हारा नाम लिखा है तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता? क्यों ऐसी चीजें होती और हम कभी एक नहीं हो पाते? कितनी कोशिश करते हैं खुश रहने की पर कभी खुश नहीं रह पाते, क्यों होता ऐसा? वो इसलिए क्योंकि किस्मत तुमसे नाराज है पूरब। तुम मेरे लिए वही किसे पिटे फ्लावर्स और वो चॉकलेट्स लेकर आते हो ना, इसलिए जिस दिन तुम नए गिफ्ट लेकर आओगे ना, उस दिन किस्मत तुम्हें मुझे गिफ्ट कर दी गिफ्ट रैप करके। May we come in? आपको परमिशन की क्या जरूरत है? नहीं, हमने सोचा कि तुम दोनों को डिस्टर्ब ना करें, है ना? और मैडम बुद्धू, आपको बड़ा शौक है लोगों से अपनी सेवा कराने का। इतना ही शौक है तो बता देती, इतनी बड़ी ट्रेजेडी करवाने की क्या जरूरत थी? मैं यूं ही तेरा वार्ड बॉय बन जाती। यदि वार्ड बॉय तो मैं हूँ, आपको तो वार्डन बन के आना चाहिए था ताकि ये कुछ सीखे आपसे। हंस रही है ना? तब अभी भी स्क्रू ढीला है। टेंशन वाली कोई बात नहीं। टेंशन तो नहीं है दी, लेकिन तेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना, उसने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। इनफैक्ट मेरे शादी के दिन उसने मुझे कितना स्पेशल ट्रीट किया, है ना पूरब? ये फ्लावर्स कितने प्यारे फूल हैं, कौन लेकर आया? बहुत प्यारे। आलिया ने मेरे लाइफ में इतने सारे कांटे जो बिछा दिए, फ्लावर्स की जरूरत तो पड़ेगी मुझे। बुलबुल देख, मैं जानती हूँ आलिया ने जो कुछ भी किया उसके लिए तू उसे कभी नहीं माफ कर सकती, लेकिन इनके सामने इतनी बातें सुनाने की क्या जरूरत? तू जानती है इन पे क्या गुजर रही है वो सब होने के बाद? इन्होंने आलिया को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा दी। सजा कैसे? हाँ, सजा। पहले तो उन्होंने आलिया को घर से निकालने का फैसला किया। उसके बाद आलिया से अपना हर रिश्ता तोड़ लिया। क्या बोल रही है अभी ने? I can't believe this कि अभी ने ये सब किया। उसकी लाइफ में दो ही लोग हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दादी और एक आलिया, और उसने आलिया के साथ ये सब किया, उसको घर से निकाल दिया। प्रकृति, पर मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। वो अभी बहुत दिखा रहा होगा कि वो बहुत स्ट्रांग है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट अंदर ही अंदर घुट रहा होगा वो, उसको बहुत तकलीफ हो रही होगी। बट यू नो वॉट, जो कुछ भी उसने किया ना, उससे साफ पता चलता है कि वो आपके और आपकी फैमिली के लिए कितना केयर करता है। प्रकृति, मैं उसको इस हालत में देख नहीं सकता। मैं उससे बात करके आता हूं। अभी देख पूरब, मैं जानता हूं कि आलिया ने जो किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी। कैसी बातें कर रहा है अभी? मेरा दोस्त हो के तू मुझे ही सॉरी बोलेगा? भूल गया अपना बचपन का रूल? ओ सॉरी, नो थैंक यू। बचपन का एक और रूल था जो शायद तू भूल गया। जब कोई अकेला पड़ जाए तो दूसरा उसे गले लगा लेगा। गले लगा ले यार। सच में कितने अच्छे दोस्त हैं ना दोनों। आलिया की नफरत भी इनकी दोस्ती पर कोई असर नहीं रखती। मां ने इन्हें हमेशा ऐसे ही साथ रखे और खुश रखे।
को हटा लिया, सिर पटा जा रहा है। कल रात तुम्हें घर पर कौन लेकर आया? कौन है? कम इन। गुड मॉर्निंग मैम। क्या है रोमन? मैम वो दादी ने आपके लिए ब्रेकफास्ट लेके भेजा था तो रख दो। मैम आपको कुछ और चाहिए? नहीं जा। नहीं नहीं रुको रुको। यस मैम। ओह गॉड। अच्छा कल रात को मुझे घर कौन लेकर आया था? मैम वो पूरव सर के फ्रेंड है ना, निखिल सर, वो आपको बेहोशी की हालत में घर लेके आए थे। मैंने तुमसे पूछा मैं किस हालत में थी। सॉरी मैम। दरवाजा बंद करके जाओ। ये निखिल का क्या सीन है, आजकल कुछ ज्यादा ही दिखता है घर में। बट वाई शुड आई केयर, मुझे तो ये सोचना है कि इस सिचुएशन में मेरी हेल्प कौन कर सकता है। तन आलिया, हाउ आर यू? कहाँ थी तुम? कैसी रही शादी? चलो मैंने तुम्हें कितने फोन किए पर तुमने एक भी नहीं उठाया, इतनी कैसे बिजी थी? चलो जो भी हो, कैसा था सब कुछ? ओ जस्ट शट अप तनु, सामने वाले ने फोन किया तो एटलीस्ट उसे तो बोलने दो ना। जब से फोन उठाया तब से चबड़ 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 करी जा रही हो, एटलीस्ट चुप तो रहो या सामने वाले की तो सुनो ना, क्या बोलना चाहता है क्या नहीं बोलना चाहता। Are you okay? जैसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत अपसेट हो? अपसेट नहीं तनु, मैं बहुत गुस्से में हूँ। गुस्से में? क्यों, क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? वो पुलपुल, प्लीज प्लीज तुम यहाँ आ जाओ, मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है। आई एम सॉरी आलिया, मैं नहीं आ सकती। क्या ना मेरी फैमिली भी यहाँ पर? तो ठीक है, तुम अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर, लेकिन जब कल भाई तुम्हें यहाँ एक्नॉलेज भी नहीं करेगा ना, तुम्हारे से कोई रिश्ता नहीं रखेगा ना, तो मुझे मत बोल। तनु अगर उस बुलबुल के लिए भाई अपनी बहन को भूलकर उसे घर से बाहर निकालने की सोच सकते हैं, तो सोचो उस प्रज्ञा के लिए तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तुम्हारे साथ तो वो रिश्ता ही तोड़ देंगे। और तब भागी भागी मेरे पास मत आना, ओके? हम चलते हैं। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। माँ ध्यान तो उस बुलबुल का रखना, वो किसी की सुनती तो है ना। प्लीज उसे कहना कि बातें कम करे, ज्यादा बातें करेगी सर दुखेगा उसका। अब तू मुझे समझाएगी कि बुलबुल का ध्यान कैसे रखना है। हाँ माँ बनने वाली है ना, इसीलिए मुझे पता है मुझे बुलबुल का ध्यान कैसे रखना है। तू बस अपना और अभी का ध्यान रख। प्रज्ञा बेटा बुलबुल की इतनी फिक्र हो रही है तो दो चार दिन यहीं रुक जा, या फिर उसको अपने साथ ही ले जा। दादी उसकी क्या जरूरत है, बुलबुल वहाँ जाएगी तो प्रज्ञा दी और ही परेशान होगी, उनको वहाँ पे भी तो इतने काम है, और यहाँ रहेगी तो आप और आंटी जी भी तो है ना ख्याल रखने के लिए, और मैं भी कभी कभी आता रहूंगा मिलने के लिए। सुन लिया भाई, लैला मजनू के बाद अब इन्हीं की जोड़ी मशहूर होने वाली। मिस्टर अभी, क्या ये सच है कि आपके फ्रेंड पूरब की शादी आपकी बहन आलिया की वजह से नहीं हो पाई? क्या ये बात सच है कि उन्होंने आपके वाइफ प्रज्ञा की बहन बुलबुल के ऊपर जानलेवा हमला किया है? क्या ये सच है कि आपकी बहन पूरब से शादी करना चाहती थी, इसके लिए ये सब कुछ किया? एक मिनट, आप ऐसे नहीं जा सकते। आपको जवाब देना होगा मिस्टर अभी। मिस आलिया एक रॉकस्टार की बहन है, इसका मतलब वो कुछ भी कर सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं आप अपनी सेलिब्रिटी होने का फायदा उठाकर अपनी बहन को बचाना चाहते हैं? देखिए आप लोग यहाँ, उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए, और अगर आप उन्हें उस सजा से बचाना चाहते हैं तो आप उससे भी बड़े गुनहगार हैं। मिस्टर अभी यू आर फेक। वैसे तो आप सच्चाई और अच्छाई की बात करते हैं, लेकिन जब बात आपकी खुद की बहन के ऊपर आई तब आप खुद गलत कर रहे हैं। आपको कोई हक नहीं लोगों का आइडल बनने का। किसने कहा इन्हें हक नहीं किसी का आइडल बनने का? मैंने कहा। इन्होंने कहा लोगों से इन्हें अपना आइडल मानने के लिए? नहीं, लेकिन एग्जैक्टली ये जाकर लोगों को नहीं कहते कि मुझे अपना आइडल मानो। लोग इन्हें अपना आइडल मानते क्योंकि ये उन्हें अच्छे लगते हैं, लोग इन्हें पसंद करते हैं, वैसे ही जैसे हम भगवान को मानते हैं। भगवान आकर हमसे नहीं कहते कि मेरी पूजा करो, फिर भी हमारी भगवान पर आस्था है ना। और आप लोगों को इनको आइडल नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन आप उन लोगों की फीलिंग्स को क्वेश्चन नहीं कर सकते, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप लोग इन्हें आइडल नहीं माने, क्योंकि मेरे आइडल है ये, क्योंकि एक बहुत अच्छे इंसान है।
और एक और बात, मेरी बहन बुलबुल की शादी पूरब से कैंसिल आलिया की वजह से नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली बुलबुल का एक एक्सीडेंट हो गया, इसलिए बस पोस्टपोन। आप लोग हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करके अपनी न्यूज को सेंसेशनल बनाना बंद कीजिए। लोगों तक वो खबरें पहुंचाइए जिससे सोसाइटी का भला हो, आपकी न्यूज चैनल का नहीं। किसी को और कोई सवाल करना है? दीदी, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक इस तरह से सब लोग मुंह लटकाए बैठे रहेंगे? पर करें तो करें क्या? पता नहीं, जब भी पूरब और बुलबुल की शादी होनी होती है कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अब इस बार तो हमारी खुद की आलिया ने ही धोखा दे दिया। वो तो अच्छा है कि हमारा रिश्ता भले लोगों से हुआ है, वरना कौन बर्दाश्त करता है अपनी बेटी पर जानलेवा हमला करने वाले को। दादी, मुझे तो पहले से ही पता था कि आलिया ऐसा कुछ करने वाली है। पूरा पूरा शक था मुझे उस पर। क्या तुझे शक था? तो फिर बताया क्यों नहीं? अरे ऐसे कैसे बता देती? क्योंकि ना वो मुझे अपने शक पर भी शक था। मतलब अगर मैं आप लोगों को बता देती और आलिया अगर ऐसा कुछ नहीं करती तो आप लोग तो मेरे पीछे पड़ जाते कि तूने ऐसे कैसे बोल दिया आलिया के बारे में। बस इसीलिए चुप रही मैं। छोड़ो ना दीदी, इन सब बातों पे मिट्टी डालो। अब जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते। हाँ, लेकिन इस घर के माहौल को बदलने के लिए कुछ तो कर सकते। कल से लेके अब तक अभी प्रज्ञा को किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। और फिर प्रज्ञा प्रेग्नेंट है। इस हाल में उसका इस तरह से उदास रहना उसके होने वाले बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बात तो तेरी सही है। हम कर क्या सकते हैं इंदु? ऐसे करते हैं, माता का जागरण रख लेते हैं। एक तो माता की पूजा हो जाएगी, कार पवित्र हो जाएगा, तो नाले का मूड भी फ्रेश हो जाएगा। अरे मैं उसकी हंसी वापस लाने की बात कर रही हूँ और तू उसका गुस्सा बढ़ाने की बात कर रहा है। पूजा में बैठना तो दूर, वो तो उस दिन घर से भी बाहर भाग जाएगा। ओ नो! क्या हुआ तुझे? दादी, रीजन मिल गया पार्टी करने का। मैं भूल कैसे गया? भाई का बर्थडे है। कल तक तो मुझे अच्छी तरह याद था, आज मैं कैसे भूल गई? मुझे भी याद था कि जन्मदिन है, लेकिन किसका है बस यही भूल गई थी मैं। खैर वो सब छोड़ते हैं, अब तो रीजन मिल गया ना तो करते हैं ना। और मैं बोलता हूँ सरप्राइज पार्टी करते हैं और भाई को बिना बताए। क्या बोलते दादी? ये हुई ना बात, इसमें आएगा मजा। पर सरप्राइज पार्टी का सरप्राइज भी जबरदस्त होना चाहिए। और भी अच्छा होगा अगर हम ये बात प्रज्ञा दी को ना बताएं। नहीं रचना बेटा, प्रज्ञा को बता देंगे। नहीं दीदी, रचना सही कह रही, अभी के साथ प्रज्ञा को भी सरप्राइज पार्टी मिलेगी तो कितनी खुश हो जाएगी। और लगे हाथ जो अधूरा काम है उसे भी पूरा कर देते हैं। कौन सा काम? वही प्रज्ञा के प्रेग्नेंट होने का, और हमारे घर में जो नया रॉक स्टार आ रहा है उसके लिए एक पार्टी दो दो काम हो जाएंगे। इसका मतलब हम आए हुए मेहमानों को ये बताएंगे कि हमारी प्रज्ञा प्रेग्नेंट है। अच्छा बेटा, अब तू प्रज्ञा को बिल्कुल मत बताना। और बेटा, इस बार की ये पार्टी भी तू अरेंज करेगा। डोंट वरी दादी, वैसे भी सारी पार्टीज की जिम्मेदारी मेरी ही होती, और इस बार की पार्टी ऐसी होगी ना कि भाई भाभी के साथ। कमाल करती हो तुम। कैसे करती हो तुम ये सब? मतलब ये कि रिपोर्टर्स जिनका काम है बोलना, तुमने उनकी बोलती बंद करा दी। अरे मैं उन्हें फेस करने से डर रहा था और तुमने उन्हें चुप करा दिया जैसे कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को चुप कराता है। ब्रिलियंट। आसान, जो दिल में हो वही बोलना चाहिए, जो सच हो बोलना चाहिए, फिर किसी से भी बोलने की हिम्मत आ जाती। लेकिन तुमने जो दोनों बातें बोली दोनों झूठी थी। बुलबुल की शादी आलिया के वजह से टूटी और मैं और तुम्हारा आइडल, ये कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इतना बुरा आदमी किसी का आइडल कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता? अरे भगवान को ही देख लीजिए, भगवान इतने लोगों के आइडल हैं, लेकिन किसी के साथ अच्छा करते किसी किसी के साथ बुरा। इसका मतलब ये तो नहीं कि लोगों की आस्था नहीं रहती उन पे। यार तुम हर बात पे भगवान को क्यों लाती हो? क्योंकि भगवान हर जगह होते हैं,
अगर हर जगह होते तो फिर दिखते क्यों नहीं? क्योंकि वो प्लीज 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 आप इतना भगवान को याद करोगी तो साक्षात भगवान नीचे आ जाएंगे, फालतू में लोग परेशान हो जाएंगे। आप क्यों चिढ़ते हैं भगवान के नाम से इतना? सब कुछ तो दिया है उन्होंने आप। नहीं नहीं नहीं, मैंने जो कुछ भी हासिल किया ना अपनी मेहनत से हासिल किया, और इसका क्रेडिट मैं किसी को नहीं दे सकता, भगवान को भी नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम एक ही जगह में बार बार घूम रहे हैं? वो दुकान कुछ तीसरी बार गुजरी है। क्यों, उसकी तरह क्या एक ही शॉप हो सकती है? मैं मुंबई में नई नई आई, वो लेक देखिए, ये मुंबई में एकलौता है। मेरा घर जाने का मन नहीं कर रहा, इसलिए बस ड्राइव कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर? आलिया की वजह से। देखिए आप कब तक उसे अवॉइड करेंगे? एक ना एक दिन तो फेस करना ही होगा। प्लीज मेरी बात मान लीजिए, माफ कर दीजिए उसे। उसने जो किया है ना, उसके लिए उसे माफी नहीं, सजा ही मिलेगी। लेकिन देखो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा हो सकता है लेकिन मेरा नहीं। बहुत मेहनत से मैं इस मुकाम पर पहुंचा और सिर्फ अपने परिवार के लिए, और इस मुकाम पर पहुंचने के बाद अगर मुझे चोट लगे ना तो मेरा संभलना मुश्किल हो जाता है, तो प्लीज मुझे इस बारे में याद मत दिलाओ। सॉरी। वैसे आप गुस्से में बहुत क्यूट लगते हैं। लाइन मार रही हो? बीवी हूँ, इतना तो हक है ना मेरा। क्या हुआ लिया? तुमने मुझे डायरेक्ट एयरपोर्ट से यहाँ पे बुला लिया? घर पे भी तो बात कर सकती थी तुम। नहीं, मैं घर पर नहीं मिल सकती बिकॉज उस घर में मेरा दम घुटता। जब भी उस अभिषेक मेहरा को देखती हूँ ना तो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती। तुम क्या बोल रही हो? हले तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? अभी तुम्हारा भाई है। भाई है नहीं, भाई थे। और मैंने तुम्हें बताया ना तनु कि उन्होंने खुद मेरे साथ सारे रिश्ते तोड़ लिए, तो फिर मैं क्यों उन्हें भाई की तरह ट्रीट करूं? कम ऑन आलिया, तुम अभी को जानती हो वो गुस्से में कुछ भी बोलता है। इससे पहले भी तो उसने तुम पे ऐसे गुस्सा किया था ना, और फिर माफ भी कर दिया था, राइट? हाँ, पर इस बार मुझे किसी की माफी नहीं चाहिए, ओके? मैंने जो किया है वो गलत नहीं है तनु, मैं सिर्फ अपने प्यार को पाना चाहती हूँ। पर तुम्हारी बातों से मुझे सुनकर ऐसे लग रहा है कि तुम यहाँ पर अपनी फ्रेंड के लिए आई हो या फिर अभिषेक मेहरा की गर्लफ्रेंड बनकर। प्लीज आलिया, बच्चों जैसी बातें मत करो। तुमने अभी से अपना रिश्ता तोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी अभी से रिश्ता तोड़ दूं, और वो भी तब जब सारी गलती तुम्हारी हो। मेरी गलती? मैं अपने पूरब की शादी उस बुलबुल से होते हुए देख सकती हूँ क्या? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैंने ऐसा नहीं कहा। तुमने शादी रोकने का जो तरीका अपनाया था वो गलत है। तुम धोखे से मंडप में बैठी थी तो तुमको धोखा ही लगेगा ना। और वैसे भी जब मैं तुमसे पूछती रही कि इन दोनों की शादी हो रही है तुम कुछ करती क्यों नहीं, तब तुमने कहा नो आई एम फाइन, उन दोनों की शादी से खुश हूँ मैं। और फिर शादी के दिन इतना बड़ा स्टेप उठा लिया। अरे अगर तुम मुझे अपनी प्लानिंग के बारे में बताती तो हम कुछ और सोचते, लेकिन नहीं, तुमने तो बुलबुल को ऑलमोस्ट मार ही दिया। और रियली, ये वो इंसान बोल रहा है जिसने खुद बुलबुल की जान लेने की कोशिश की थी। वो तो मैंने स्टॉप इट था। तुम कर क्या रहे? मैंने यहाँ पर तुम्हें अपने लिए बुलाया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी साइड पर नहीं, तुम उन लोगों की साइड पर हो। आलिया, मैं तुम्हारी साइड, तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही। मैं अभी को नहीं छोड़ सकती। जैसे पूरब तुम्हारी लाइफ है वैसे अभी मेरी लाइफ है। ओके, फॉरगेट इट। अब तुम क्या चाहती? रिवेंज। बदला चाहती हूँ उन सब से जो मेरे और पूरब के अगेंस्ट है। यू मीन तुम अभी से भी बदला लेना चाहती हो? हाँ, बल्कि वो तो मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर है। तो उन्हें मैं कैसे छोड़ दूँ? मैं उन्हें बर्बाद कर देना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय।